हाँ बोल रहे हैं, यानी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब एकदम सही समय पर आपको डिलीवर कर देंगे। प्रोजेक्ट अच्छा अच्छा, यानी आप विश्वास कीजिए धीरे सचिव हम सब पहुँचा देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत। गुस्से का है विक्रम, विक्रम पापा ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की विक्रम, मुझे बहुत डर लग रहा है। साक्षी रिलैक्स, अपन मां शांत चलो। हमरी अम्मा, हमरी प्यारी अम्मा, वैसे गुस्सा काहे हो रही हो? हां चोरी करती है? नहीं कोई चोरी नहीं करती। विद्या पहले तुम अम्मा को लेकर के कमरे में जाओ। अम्मा तो साक्षी भाभी का नाम ले लेंगे। Hi, this is me, Priyanka Nayan, and you are watching Tele Reporter. सीक्वेंस के बारे में, मैं हॉल में खड़े होकर रील बना रही हूँ, तो दादी अपना गेम खेल रही है, बट मुझे एक एल्बम मिलती है जो दादी की पुरानी एल्बम है, तो साक्षी सोचती है कि ये एल्बम शायद उनके पास्ट से कुछ रिलेटेड है, तो वो देखने की कोशिश करती है, इतने में दादी उसे पकड़ लेती है, मतलब अम्मा, तो साक्षी काफ़ी घबरा जाती है एंड घर वाले सब आ जाते हैं उसको बचाने के लिए, तो कोई तो कुछ तो राज है उस एल्बम में जो हमें आगे एपिसोड में पता चलेगा। सीक्वेंस में भी लग रहा है कि देखा जा रहा है कि पायल ही एल्बम को साक्षी को लगाया जा रहा है, उसके बारे में क्या? पायल ने एल्बम रखी है, शायद वो साक्षी को फंसाना चाहती है, मम्मी की नज़रों में गिराना चाहती है, तो मे बी वो साक्षी के लिए ऐसा कर रही है, पर हाँ ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग पायल की है, अब उसके पीछे क्या उसके दिमाग में चल रहा है वो किसी को नहीं पता है। और आगे क्या देखने को मिलेगा? आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, अभी दादी का पूरा पास्ट हम लोग रिवील करेंगे एंड काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा इंटरेस्टिंग, तो देखते रहिए आप हमारे साथ। सुहागन फैंस को मैं यही कहना चाहूँगी, आप हमें इतना सारा प्यार देते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए और हमारे शो को देखते रहिए और हमारी टीआरपी बढ़ाते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट, थैंक यू।